उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरबा कांग्रेस परिवार का दूसरा जत्था उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अड़मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल को सौंपी गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद जयसिंह अग्रवाल ने उत्तराखंड के अपने प्रभार क्षेत्र का दौरा कर कोरबा वापस आने के बाद कोरबा से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देकर उत्तराखंड के प्रभार क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेजा था। उसके बाद आज जिला कांग्रेस कार्यालय कोरबा से 30 कार्यकर्ताओं को कांग्रेसी गमछा पहनाकर तिलक लगाकर उत्तराखंड के लिए रवाना किया गया। कार्यकर्ताओं को समझाइश देते हुए राजस्व मंत्री एवं कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर एकजुटता से कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि वे स्वयं भी 27 जनवरी से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तीसरा जत्था 29 जनवरी को और चौथा जत्था 3 फरवरी को उत्तराखंड के प्रभार क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। यह सभी कार्यकर्ता 11 फरवरी तक उत्तराखंड प्रभार क्षेत्र में कार्य करेंगे। उत्तराखंड चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे कोरबा के कांग्रेस के युवा साथी विकास सिंह, हमारे इंटक के जिला अध्यक्ष और जिला के महामंत्री और उनके बहुत से साथी, इसमें राकेश, पंकज, अंकज श्रीवास्तव और आपके युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीवास और आपके फरीद खान और पवन विश्वकर्मा, राकेश, पंकज, संजय परेठ सहित लगभग 30 लोगों का जत्था आज उत्तराखंड चुनाव के लिए कोरबा से रवाना हो रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के चुनाव में अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव तक सब वहाँ डट के काम करेंगे और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की आपकी दंतेवाड़ा उपचुनाव और उसके बाद आपका मरवाही उपचुनाव में विजय श्री हासिल किए, आपके लोकसभा का चुनाव जीते, नगर निगम का चुनाव जीते और अब उत्तराखंड की बारी है। सभी हमारे साथी उत्तराखंड रवाना हो रहे हैं और 27 तारीख को मैं उत्तराखंड दूसरी बार दौरे पे जाऊंगा, वहाँ रह के सब लोग प्रचार करेंगे और इसके बाद सेकंड ट्रिप में और काफी लोग जाएंगे। इस प्रकार से सब मिलके वहाँ काम करेंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।